दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा मुझे वाटरफॉल और डैम घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा यूनिक डैम दिखाने के लिए लेके चलूँगा जो कि इसके बनावट के कारण बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसका जो बनावट है ना दोस्तों, एक स्नैक टाइप का है, तो इसी की वजह से दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है इस डैम का, वो है सापवा डैम। करीबन 1-1.5 साल से दोस्तों इंस्टाग्राम में मैं इस डैम के बारे में पोस्ट सब देख रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये जो डैम है। तो आज मैं निकल चुका हूँ दोस्तों झारसुड़ा से बाय ट्रेन, और अभी मुझको जाना है अनुगुल। वहाँ पे मेरे एक दोस्त रहते हैं, उनसे भी आपको मिलवाऊँगा और आज हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे सापवा डैम। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों अनुगुल। देखिए, यहां का रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार है, और मैं जिन दोस्त के बारे में बोल रहा था जो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से, वो अभी आ चुके हैं, मिले अमित भाई से जो कि अनुगुल से बिलोंग करते हैं, और आज हम लोग साथ में जा रहे हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों, अभी का काम ये है कि हम निकलेंगे यहाँ से सापवा डैम के लिए। रूट के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, और जो डैम है ना, आपको पूरा खुश हो जाओगे देख के। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ रास्ते में। दोस्तों, यहाँ का आईफिल टावर और आई लव अनुगुल देखने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सापवा डैम के तरफ। दोस्तों, अगर आप सापवा डैम आने के बारे में सोच रहे हो तो आपको रूट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप ढेंकानाल से आओगे या फिर अनुगुल किसी भी साइड से आओ, आपको सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा रासोल, ठीक है? तो मैं पहले रासोल पहुँचता हूँ और आगे आपको बताता हूँ कहाँ से किधर जाना है और कैसे आप पहुँच सकते हो सापवा डैम। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं रासोल, ठीक है, और यहां से राइट साइड जाना पड़ेगा सापवा डैम के लिए। देखिए दोस्तों, वहां पे साइन बोर्ड है, तो यहां से राइट साइड लेना पड़ेगा। ये रहा रासोल का जो टाउन बोल सकते हो आप। तो आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाता हूं मैं आपको। दोस्तों, जो साइन बोर्ड मैंने आपको दिखाया, वहाँ से राइट साइड लेके अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ के लोकल आदमी से मैंने पूछा तो यहाँ बोल रहे थे कि 5 से 6 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, और अभी हम लोग गूगल मैप फॉलो करते हुए जा रहे हैं। गूगल मैप पूरा अच्छे तरह से काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आने के बारे में सोच रहे हो तो आप गूगल मैप भी फॉलो करके आ सकते हो। सो ये दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ सापवा डैम में, और ये जो सापवा डैम है ना दोस्तों, ये हो गया अनुगुल से 42 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ढेंकानाल से 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों, मैं जब यहाँ का पहली बार फोटो और वीडियो देखा था ना, तो तभी से मैंने सोच लिया था कि लाइफ में तो एक बार यहाँ पर आना ही आना है। और दोस्तों, यहाँ का जो ब्यूटीफुल नज़ारा है वो सिर्फ मानसून के टाइम में नज़र आता है, मानसून और विंटर के टाइम में नज़र आता है, क्योंकि ना यहाँ पे जो पानी ओवरफ्लो होता है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि कैसे पता चलेगा यहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं। तो मैंने एक यहाँ के जो लोकल भाई है उनसे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम के थ्रू, और उनसे बात हुआ। वो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए यहाँ पे गाइड करने के लिए कि भैया अभी आइए, यहाँ का पानी निकल रहा है। तो चलिए पहले उनसे थोड़ा आपसे मिलवा देते हैं, और उसके बाद आपको दिखाऊँगा जो डैम है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक व्यू है यहाँ से। तो जिस भाई के बारे में मैं बोल रहा था, ये रहे वो पंकज भाई। थैंक यू पंकज भाई।
इतना गाइड करने के लिए। और इधर हैं अमित भाई और पंकज भाई के साथ और एक भाई आए हैं यहाँ पे, अमित दोनों अमित। तो दोस्तों अभी चलिए मैं आपको डैम दिखा देता हूँ। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं आज नहाने के लिए आए हैं, और आप जो नीचे देख पा रहे हो नीचे सब साल का पेड़ है, साल का पेड़ है, वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों यहाँ पे जो व्यू है सापुआ डैम का, देखिए कुछ इस प्रकार है। नीचे लोग नहा रहे हैं गाइस, देखिए वहाँ पे नीचे नहा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आने का जो बेस्ट टाइम है ना वो विंटर और मॉनसून के टाइम पे है। अगर आप यहाँ पे आने के बारे में सोच रहे हो तो किसी भी एक लोकल आदमी से पता कर लेना कि यहाँ पे पानी ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं। ओवरफ्लो होते टाइम अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है। नीचे देखिए बहुत सारे बड़े बड़े साल के ट्री हैं और यहाँ पे बड़े बड़े पिंडी भी सब बनाया हुआ है। बारिश भी होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे पिकनिक मनाने के लिए। तो अगर आप नियर बाय प्लेसेस में से हो तो आप यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हो। तो आपको तो यहाँ का दिखा दिया, अभी जो है डैम के दूसरे छोर पर चलते हैं, जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर चलेंगे और वहाँ से थोड़ा देखना है डैम को, वहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। हाँ ड्रोन शॉट भी आएगा, मुझे पता है आप थोड़ा एक्साइटेड हो रहे हो ड्रोन शॉट के लिए, लेकिन वो लास्ट में आएगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों यहाँ से बढ़ते हैं और जो डैम का लास्ट छोर है वहाँ पे मिलता हूँ मैं आपसे। सो जी दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डैम के आखिरी छोर पर। और ये दोस्तों ये जो डैम है ना ये 2006 को कंप्लीट हुआ था। और इस डैम का दोस्तों जो मेन पर्पस है वो वाटर इरिगेशन है, और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा फिश फार्मिंग भी होता है। तो देखिए कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से डैम का, बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। और जैसे कि मैंने आपको बोल रहा था यहाँ पे फिशिंग का भी काम होता है। तो देखिए यहाँ पे जाल बिछाए हुए हैं आपको हालांकि नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी हमको थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है, टाइम भी होगा यहाँ से जाने का। तो अभी दोस्तों यहाँ से थोड़ा ड्रोन उड़ाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ से ड्रोन से कैसा व्यू आ रहा है। तो अभी एंजॉय कीजिए आप यहाँ का ड्रोन व्यू।